खेसारी लाल यादव को बिग बॉस में जिताने के लिए तमाम पटना की लड़कियां सामने आ चुकी हैं और उन्होंने खेसारी लाल यादव को जिताने के लिए कई तरीके की बातें कही हैं। लड़कियां ही नहीं, लड़के भी खेसारी लाल के हैं दीवाने। तो बिहार के इस लाल के लिए सभी लोग ढेर सारी वोट करने की बात कर रहे हैं। खेसारी लाल यादव जहां भी जाते हैं मचा देते हैं बवाल और धमाल। तो खेसारी लाल यादव जैसे ही बिग बॉस पहुंचे वहां मच गया है धमाल। खेसारी लाल यादव को लेकर तमाम लोग क्या सोचते हैं पटना के, चलिए हम आपको बताते हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि खेसारी लाल यादव बहुत अच्छा गाना गाते हैं और वो बिग बॉस में कुछ बेहतर करने वाले हैं, मतलब कुछ और अच्छा हो सकता है बिग बॉस में। इसके अलावा कुछ लड़कियों से हमने जब बात की तो उनका कहना है कि खेसारी लाल यादव बिहार की मिट्टी से जुड़े हैं और उनका ये गाना ठीक है, नून रोटी खाएंगे जिंदगी यहीं बिताएंगे, ठीक है। ये गाना लोगों को बहुत पसंद आ रहा है और इस गाने को लेकर उन लोगों ने कहा है कि हम तो ज़रूर वोट करेंगे। और पहले लोग कुछ सेलिब्रिटी जैसे शहनाज को लेकर काफ़ी ज़्यादा बिग बॉस को देखते थे, लेकिन अब जब से खेसारी गए हैं तब से बिहार के लोग और भी ज़्यादा उस कार्यक्रम को देखने के लिए अपने आप को उत्सुक बताते हुए नजर आए हैं। और इस बीच उन्होंने कहा है कि वो खेसारी लाल यादव के लिए जमकर वोटिंग करेंगे। तो क्या इस बार खेसारी लाल यादव की होगी जीत? क्या बिग बॉस में जीत का परचम लहराएंगे खेसारी लाल यादव? इस पर दीजिए अपनी राय और बताइए कि क्या खेसारी लाल यादव जीत कर आएंगे वापस बिहार के इस लाल को? है बिहारी मिट्टी की चिंता, क्या वो बिहार की मिट्टी के लिए लड़ेगा भी और कुछ करेगा भी? क्या बिग बॉस में कुछ बेहतर होने वाला है खेसारी लाल यादव? क्या बिग बॉस में कुछ ऐसा करेंगे जिससे होगा बिहार का नाम रोशन? इस पर दी अपनी प्रतिक्रिया, क्योंकि खेसारी लाल यादव जब से बिग बॉस में गए हैं सभी को लंबे अरसे से इंतजार था और सभी सोचते हैं कि खेसारी लाल यादव जीत का परचम लहराएंगे। तो क्या वाकई में खेसारी लाल यादव जीत कर आएंगे? इस पर दी अपनी ढेर सारी प्रतिक्रिया। हमें रहेगा आपके कमेंट्स का इंतजार, क्योंकि आपके एक एक कमेंट्स बहुत कीमती है। नेक्स्ट नाइन भोजपुरी के लिए शशिप्रिय सिंह की रिपोर्ट। नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।